फतेहपुर जिले में एक बेटी दहेज के दानवों की भेंट चढ़ी है। आरोप है कि दहेज में 4 लाख की डिमांड पूरी नहीं होने पर ससुराल वालों ने पहले नवविवाहिता के मुंह में तेजाब डाला और फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे जिंदा जलाकर मार डाला। दहेज की हत्या की ये सनसनीखेज वारदात सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के अफोई गांव की है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतका के भाई का आरोप है कि जब वह घटना की तहरीर पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की। मृतका के भाई ने बताया कि उसने अपनी बहन माहेनूर की शादी 16 मई 2021 को अफोई गांव के रहने वाले रुखसार अहमद के साथ की थी। शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल वाले दहेज की अतिरिक्त मांग कर रहे थे। जब दहेज की डिमांड पूरी नहीं हुई तो उनकी बहन को आग लगाकर मार डाला गया। हमारी बहन की शादी हमने अफोई में 16 मई 2021 को किया था रुखसार के साथ। शादी के दूसरे दिन से ही रुखसार, उसकी भाभी सबीना और सहाना मिल के तीनों उसको बहुत परेशान करते थे, मारते थे। उसको बोलते थे कि जाओ अपने भाई से पैसे लेके आओ, अपने घर वालों से और पैसे लेके आओ, गाड़ी चाहिए हमको, ये चाहिए, वो चाहिए, पैसा चाहिए। बोल रहे 4 लाख रुपया लेके आओ, हम गरीब आदमी कहाँ से देंगे। उसके बाद वो लोग उसको जला के मार दिए तीनों, चार अंसार, रुखसार, सहाना, सब ये सब मिल के उसको जला के मार दिए। वो कुछ बोल ना पाए इसलिए उसके मुंह में तेजाब डाल दिए, उसकी जबान जल गई, उसका पूरा शरीर जल गया। जब हम प्रशासन के पास गए वो सब कोई हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं, रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार नहीं। काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद वो सब हमारी रिपोर्ट तो लिख लिए पर कोई कड़ा कार्रवाई नहीं किए। उसके बाद हम जो है वहाँ से चले आए। अब हम यही चाहते हैं कि बस हमको इंसाफ मिले बस। वहीं मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसएसपी ने मामले की जांच के बाद निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन दिलाया है। जनपद कौसाम्बी के थाना सहनी अंतर्गत निवासी मोहम्मद यासीन ने थाना सुल्तानपुर घोष पर एक लिखित तहरीर दिया है कि उनकी पुत्री की शादी 16/5/2021 को अपोई कस्बा थाना सुल्तानपुर घोष के अंतर्गत उन्होंने किया था। दहेज की अतिरिक्त मांग को लेकर के उसके परिवारी जनों ने आग लगा करके जला करके मार दिया है। मृतिका का पोस्टमार्टम करा दिया गया है मजिस्ट्रेट के द्वारा पंचायतनामा भरने के पश्चात। पति को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। तत्काल समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और निष्पक्ष कार्रवाई एवं विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक देश की बेटियां दहेज दानवों की भेंट चढ़ती रहेंगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए फतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।